नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। आम चुनाव की सियासी गर्मी के बीच कर्नाटक की सरकार पर कमल संकट मंडराने लगा है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की आहट ने कांग्रेस की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। कर्नाटक में अभी कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार है, जिसमें तीसरे नंबर पर रही जेडीएस के कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद पर हैं। महज 7 महीने पहले बड़े ही नाटकीय अंदाज में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री डीके शिवकुमार ने अचानक ये कहकर तहलका मचा दिया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को पैसे और पद का लालच देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। खबर के मुताबिक बीजेपी की तरफ से येदुरप्पा ने कमान संभाली हुई है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके संपर्क में बने हुए हैं। उन्हें 4 से 5 विधायकों के समर्थन का इंतजार है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी और जल्द ही इसका नतीजा देखने को मिलेगा। इधर डीके शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन बहुत मजबूत है, बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले वो गठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसकी तमाम कोशिशें बेकार हो जाएंगी। Some rumors were there that somebody 3 members are there, 4 members are there, but Anand Singh, one minute. Sir, Anand Singh met you and you said 3 members, 3 MLAs are in contact with me. No. Yeah, we are personal friends. I say politics is different. We are personal friends. They are leaders. All of their responsibility, their pressure from the Congress cadres of the consciences. No one will do that any mistake. There is nothing. Just BJP is trying to create some hype in the country. On this Mahagathbandhan, they are trying to do something. Counter-attack that says that Congress and JDS, they are itself doing this poaching. No. It will backfire them. Sir, let them be honest to their heart first. All these leaders are with you, sir. All these your MLAs. It is Congress party. How can they go? I say, how can they face the election? They have to win the election. Anti-defection law is there. There is a big number. It is not, you can't do any dirty politics at this point of time. Elections, local body elections are coming up and parliament elections are coming up. We are answerable to the conscience of people. This can't, this is not a child game. But emergency meetings are going on. Another question is, you also booked a ticket to the Mumbai? No, yes, I have to go. I am having a conference. Nothing, Nitin Gadkari Saab has called as a meeting for me on the irrigation department. So I'll have to go to Aurangabad. Sir, the people who are in Mumbai, are they in contact with you, sir? I'll come out in detail. वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जेडीएस ने खुद पैसे और ताकत का इस्तेमाल करते हुए खरीद फरोख्त की शुरुआत की है। उन्होंने तो अपनी पार्टी की एकजुटता को दिखाने के लिए ही उन्हें गुड़गांव में ठहराया है। दरअसल ऑपरेशन लोटस सबसे पहले चर्चा में उस वक्त आया था जब बीएस येदुरप्पा पहली बार सीएम बने थे। उस वक्त बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार अल्पमत में थी। ऐसे में बीजेपी दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में कामयाब रही थी और फिर इन विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इसके बाद उपचुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी बहुमत में आ गई थी। इस पूरी प्रक्रिया को कर्नाटक की सियासत में ऑपरेशन लोटस के तौर पर जाना जाता है।